शर्मसार हुई खाकी, लेडी कांस्टेबल से सात सिपाही ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जालौन में खाकी को शर्मसार करने की घटना सामने आई। यहां पर तैनात एक सिपाही ने महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को महिला पुलिसकर्मी ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया। बता दें, पूरा मामला नदीगांव थाना का है। यहां पर तैनात सिपाही कर्मवीर ने अपनी महिला सहकर्मी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में जब महिला पुलिसकर्मी ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो उससे जान से मारने की धमकी दे डाली। जब उसे सिपाही का ट्रांसफर हुआ तब महिला पुलिसकर्मी ने पूरे प्रकरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद में मुकदमा पंजीकृत किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी सिपाही कर्मवीर वर्तमान में लाइन हाजिर चल रहा था और पहले से एक शादीशुदा था। किस बात का फायदा उठाकर उसने महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला सिपाही का आरोप है कर्मवीर ने उसके साथ बार बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने पूरा वाक्य पुलिस के उच्च अधिकारियों के सामने रखा तो विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस पूरे प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक असीम चलती ने बताया, पूरा मामला नदीगांव थाना क्षेत्र का है। महिला सिपाही की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कमेटी ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके साथ ही आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच हो गई। फिलहाल सेक्सुअल की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और विभागीय जाँच की जा रही है। आरक्षी पर दुष्कर्म का आरोप है, क्या है पूरा मामला? जिला जालौन के थाना नदीगांव का ये प्रकरण है। थाना नदीगांव में एक लेडी कांस्टेबल तैनात, उसने अपने कुलीग के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक शिकायत दर्ज कराई। पॉश एक्ट के तहत इस शिकायत पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी ने इसकी जांच करी। एक 8 सदस्यीय कमेटी है जिसने इसकी जांच करी। विस्तृत जांच के बाद उसने दो संस्तुतियां की, दो रिकमेंडेशंस किए। एक कि आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाए। दूसरी संस्तुति थी कि आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। दोनों संस्तुतियों पर कार्रवाई हो रही है। आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। वह नदीगांव थाने में उसके विरुद्ध एफआईआर भी पंजीकृत करा दी गई है। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।